जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे YouTube में खुश आमदीद। आज हम एक इंटरेस्टेड व्लॉग के साथ हाजिर हुए हैं। साजिद जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई, हमारे रूम में वो रहते हैं साजिद मौलवी, जो हमारी जी वीडियो में हमारे नजर आते हैं जी। तो उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है जी जी। तो हमने सोचा कितने साल हो गए? साल का मुझे नहीं पता लेकिन उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी थी जी। तो हमने सोचा थोड़ा सा उनको सरप्राइज दे दें जी जी। तो विकास भाई ने ऑर्डर किया है उनके लिए एक केक जी। तो अभी हम जा रहे हैं केक लेने, रिसीव करने जा रहे हैं केक। तो केक रिसीव करते हैं, फिर इंशाल्लाह चलते हैं, उसको सब मिलके सब सरप्राइज देते हैं, साथ आपको दिखाते हैं केक कहाँ से ले रहे हैं। हाँ, ये सऊदी अरब की सबसे अच्छी शॉप है, थोड़ी एक्सपेंसिव है बट इनका जो मटेरियल है, मतलब इनका टेस्ट है जो इनका हम कह सकते हैं अच्छा है, सबसे अच्छी चीज है वो। चलते हैं, चलें। जी हमने गाड़ी पार्क कर दी है, तो अभी हम ये शॉप में जा रहे हैं अंदर। इस पेस्ट्री वाले में हमने ऑर्डर दिया हुआ है, तो अभी इंशाल्लाह हम ऑर्डर रिसीव करते हैं शॉप पे। चलते हैं साजिद भाई, अभी हम केक तो हमने ऑर्डर किया हुआ है वो हम ले रहे हैं यहाँ काउंटर से। ये विकास भाई, ये शॉप है, यहाँ पे हमने केक रिसीव किया। ये विकास भाई, विकास भाई ने केक रिसीव कर लिया साजिद भाई के लिए। तो ये लेके जा रहे हैं जी। ले लिया आपने केक? जी जी ले लिया। देखें सारी सारी सर के लिए सरप्राइज ले लिया, हमने जाके इनको देते हैं, अभी जाके सरप्राइज देते हैं। वो सोए हुए हैं, उनको उठा के सरप्राइज देते हैं। तो चले फिर, हमने पहले एक चॉकलेट वाला लिया था, तो इसमें इन्होंने रखी है वो मैन, आजकल सऊदी अरब में कोई पता ही है, तो हम इसलिए वीडियो बनाई, तो वो बीच में आई अच्छी नहीं होती, अंदर थोड़ा फैमिली फैमिली का मतलब है, किसी का हर बंदे का है, तो उसकी वजह से हमने बनाई। फिर हम उन्होंने बोला ये अच्छा है, हमने फिर चेंज कर दिया। अभी हम चलते हैं फिर साजिद भाई को उठाते हैं और सरप्राइज देते हैं। जी हमने केक ले लिया है, वो हमारे पास ये पीछे पड़ा है, तो हम जा रहे हैं अब। हम कुछ लेंगे अभी, कुछ मींस ड्रिंक लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे रूम में, साजिद सर को उठाएंगे। इस टाइम वो सोए हैं क्योंकि वो बेसिक नाइट ड्यूटी करके आए हैं, नाइट ड्यूटी भी है, सुबह 8 o'clock आए हैं, तो स्पेशल फिर हम उनको उठाएंगे। अभी फिर नाइट ड्यूटी पे जाना है, फिर उन्होंने जाना, कहने का मकसद नाइट ड्यूटी करके। सरप्राइज तो पहले देना था, लेकिन एक तो मिल पता लेट लगा, दूसरा उसकी नाइट थी, हमने कहा वो नींद भी पूरी कर ले जी, तो फिर उसको सरप्राइज देते हैं, उसको उठाते हैं। अभी जाके हम लेते हैं कोई ड्रिंक, यहाँ से ड्रिंक नहीं मिले, यहाँ से केक ही, जी यहाँ से केक ही मिलता है, सिर्फ ड्रिंक हम जाके लेंगे। अभी हम आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं जी। हम पहुँच गए हैं, हमने ये बोतल भी ले ली, आपको नहीं दिखा रहा था, लेकिन हमने बोतल भी ले ली थी। अभी हम ले रहे हैं विकास भाई इंटर होने लगे हैं रूम में, और यहाँ पे साजिद भाई सो रहे हैं, तो वो तो जाग रहे हैं। साजिद भाई देखिए जाग रहे हैं, सो रहे हैं। ओ भाई साजिद भाई इधर आए, उनको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप तो सो रहे थे, तो यार आप पता नहीं आपका, हमें पता लगा आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है। आपको किसने बताया? ये देख ले, हमारे दोस्त है, हमें पता नहीं है किसको बताना है। माशाल्लाह, आपके लिए हम सरप्राइज ले गए हैं। ये सरप्राइज आया मेरे लिए मैरिज एनिवर्सरी का, नॉट ओनली दिस वन, यू चेक आल्सो इनसाइड। ये देखे माशाल्लाह, सरप्राइज है भाई जी। ये सरप्राइज है आपके लिए। थैंक यू। तो अभी खोल के दिखाते हैं आपको भी और अपने व्यूअर्स को भी। अच्छा चले देखते हैं जी। ये थैंक यू यार, कुछ ज्यादा ही आप लोगों ने कर दिया मेरे लिए, सीरियसली आप लोग और कुछ नहीं, अभी देख बच्चे भी नहीं है जी। ये देखें हम लेके आए साजिद साहब के लिए गिफ्ट, मैं अभी नींद से उठा था। गिफ्ट का मीन केक है,
गिफ्ट हमारे लिए जो भी है। मैं उठ के रूम में उसे मैंने अजहर कहाँ चला गया यार, अजहर नजर नहीं आ रहा, मैं अजहर को देख रहा हूँ रूम में जा रहा। मैं भी आया अभी जॉब से, मुझे फोन किया कि आ जाओ, मैं कहा चलो मैं आता हूँ। हम कुछ चीजें बोल रहे थे तो अभी देखें, हमारे को मोहन ने आना था लेकिन मोहन नहीं पाया। माशाल्लाह दिखाएं व्यूज को, कुछ कहना भी एक बहुत बड़ा फाइल था। नहीं वो खुलते हैं साथ। माशाल्लाह कैसा है? थैंक यू सो मच अदर भाई एंड वकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपको आज का दिन कैसा फील हो रहा है? आज पाकिस्तान में नहीं है आप, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं है, प्रदेश में यही चीज है, तो अभी आप क्या फील कर रहे हैं? इसी बात का तो मुझे अफसोस था, लेकिन आपने माशाल्लाह मेरा अफसोस जो है वो कहते हैं ना मुंह पे दे मार दी। वो बात तो नहीं है, फैमिली के साथ होने दी। नहीं वो तो है नो डाउट, फैमिली की बात और होती है, लेकिन भाइयों के साथ भी तो है कम से कम अपने। हमने कहा चलो थोड़ा सा भी दूसरा भी हो सकता है करते हैं। थैंक यू सो मच। तो माशाल्लाह अभी ये केक काटेंगे साजिद भाई, हम तालियां मारनी है बस। नहीं करेंगे कि वो उठा के पूरा मुंह पे लगा देते हैं, नहीं, नहीं तो वो हम जाया नहीं करेंगे। तो साजिद भाई को वहाँ खिलाते हैं आपके सामने, और आप भी आइए हमें ज्वाइन करें भाई। आपने व्यूअर्स को तो दावत दे देते हैं, व्यूअर्स को अभी दावत देना मतलब ना बुलाने वाली बात है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कर, क्योंकि प्लान होता फिर बात और थी। मैंने बोला शायद आप में से किसी को नहीं पता होगा, मैंने इसलिए किसी से जिक्र भी नहीं किया। तो चले अदर भाई आपसे शुरू करते हैं। नहीं आप नहीं, नहीं आपसे शुरू करते हैं, आपने इतना सब कुछ अरेंज किया मेरे लिए, थैंक यू। थैंक यू वकास भाई। नहीं हम जी ये हमारी खुशी का दिन था, भाई साहब का हमने केक काटा है। ये खुशी का दिन आपको बार बार अल्लाह ताला दिखाए जी, बुरे वक्त से बचाए, बुरे वक्त से बचाए। आमीन आमीन आमीन, बस अल्लाह नजर बद से बचाए जी जी। आमीन आमीन हमारी। और मैंने तकरीबन ना एक बात है, मैंने अपनी लाइफ में पहला बंदा देखा है ये खुश है शादी के बारे में। मैंने बहुत सारे दोस्त देखे हैं शादी ना करो, तो मैंने कुछ दिन पहले ना मैंने भाई से पूछा था, मैंने कहा अगर आपकी एनिवर्सरी आए तो मनाए, तो कहता मनानी चाहिए। मैंने कहा आप खुश हो शादी पे या नहीं? कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा खुश हूँ। फिर मनानी चाहिए जी, शादी की थी जिंदगी सुकून करने के लिए, इसलिए रखने की थी कि जो है जिंदगी जो है और अजीवन हो जाए और मुश्किल हो जाए जी जी। तो बाकी हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। बात देखें, दो बर्तन भी आप एक साथ रखेंगे तो वो आवाज तो करेंगे, अब उस आवाज करके ये मतलब नहीं है आप एक बर्तन इस कमरे में रखो एक बर्तन उस कमरे में रखो जी जी, ठीक है। और एक और चीज मैं शुरू से अपने बड़े भाई से, अपने अम्मी अब्बू से भी, अपने बड़े भाई से स्पेशली सीखा है कि जब दो बंदों के दरमियान बात हो ना, उसमें तीसरा बंदा हमेशा तीसरा बंदा ही होता है, चाहे वो आपके माँ बाप हो चाहे आपकी बीवी के माँ बाप हो, तीसरा बंदा तीसरा बंदा होता है। इन दो के दरमियान जब तक कोई बंदा नहीं आएगा वो बात वहीं शुरू होगी, वहीं खत्म हो जाएगी, और फिर साथ साथ चलना आसान होगा। उसी दिन उसी दिन में खत्म हो गए। साहब अब हमसे इंतजार नहीं हुआ जा रहा। चले फिर शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चले फिर वीडियो अगर इसके, मैं फिर एक दफा आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, वकास भाई और अजहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो है, मैं कहूँगा तकल्लुफ भी की, लेकिन खैर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की। हमें ज़्यादा खुशी हुई है, जितना मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा था उतना ही आप लोगों ने मेरे इस दिन को जो है खूबसूरत बनाया जी। चलें वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अपने अगली व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।